महादेव बड़ी सुंदर सुंदर भजन सुनाने लगे। एक बच्चे को बुलाए, सुमंत्र का पुत्र था, सुमंत्र के बेटे को बुलाए, बेटा इधर आओ। उसे बुला करके उसकी ललाट की रेखा को देख करके, हस्त रेखा को देख करके भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का विवरण कर दिए, सब कुछ उसके जीवन का सब ओपन कर दिए तरफ। और एक बच्चे को बुलाए, सुमंत्र का पुत्र था, सुमंत्र के बेटे को बुलाए, बेटा इधर आओ। उसे बुलाकर बड़ा प्रसन्न हुआ वो बालक और मानो जाकर के प्रचार कर दिया पूरे मोहल्ले में कि एक बाबा आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, त्रिकाल दर्शी हैं। अब तो देखते देखते लगने लगे, भीड़ और बढ़ने लगी। इधर भीड़ बढ़ रही है, हमारे राम जी रो रहे हैं, रानी वास में जितनी माताएं थी सब बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। नाना प्रकार के तरीके से मैया लोग राम जी को चुप कराने का प्रयास करती, नहीं चुप होते हैं। कुछ माताओं ने कहा कि देखो कोई आकर के लाला को जादू टोना कर गए हो, लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर गए हो, इसका जादू टोना उतरवाना पड़ेगा। माताएं टोना करने में भी टोना करने में आगे नहीं होती हैं माताएं, लेकिन उतारने में आगे होती हैं। हाँ, कुछ माताएं नाना प्रकार के तरीके से राम जी के उस टोना को उतारने का प्रयास करती है। एक मैया दौड़ी दौड़ी गई, एक मुट्ठा राई लाई, लाला के माथे पे लगा करके 7 बार घुमाती है और ले जा करके राई को चूल्हा में फेंक देती है। जैसे जैसे अभी ये राई जलेगी लाला का नजर ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु चुप नहीं हुए। एक मैया दौड़ करके आई, 7 मिर्चा लेकर के लाला को 21 बार उबारी, ले जाकर चौराहा पे फेंक दी। बोली अभी थोड़ी देर में लाला चुप हो जाएंगे, नजर उतर जाएगी, नहीं चुप हुई। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी इस दृश्य को देख करके मानो प्रभु को प्रणाम करके चले गए। बोले भाई इस मर्ज का इलाज हमारे पास भी नहीं है, चले गए। एक दासी कौशल्या की पर्सनल दासी के रूप में, कौन है वो? पार्वती जी है। पार्वती जी कौशल्या के पर्सनल दासी के रूप में आकर के प्रकट होती है और कहती है, दीदी जी कहो तो सरजू के किनारे एक बहुत बड़े बाबा आए हैं, कहो तो मैं उन्हें बुला ले आऊं, लाला की नजर भी उतर जाएगी, नामकरण भी हो जाएगा, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। कौशल्या जी कहती जाओ जल्दी से बुला करके ले आओ। वो दासी आई, बाबा जी को प्रणाम करती, बाबा जय श्री राम। बाबा जी कहते जय श्री राम, बताओ क्या बात है, क्या परेशानी, क्या समस्या है? दासी कहती बाबा जी आपको रानीवास में चलना है, कौशल्या जी ने आपको बुलाया है। महादेव प्रसन्न हो गए, जा रहे हैं। जब इतनी तक कथा पहुंची तब पार्वती जी बोली, प्रभु जो आपको बुलाने आई थी मुझे दया आ गई आपके ऊपर, मैंने आपकी चोरी पकड़ ली थी, मुझे आपको देख करके दया आ गई। मैं सोची कि अगर मैं सहयोग नहीं करूंगी तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे, तब मैं दासी का रूप धारण करके आपको बुला करके ले गई थी, वो मैं ही थी। तो मेरे भक्त इस तरीके से महादेव अयोध्या में विचरण कर रहे हैं, आइए हम भी थोड़ा सा महादेव का स्मरण कर लें।